हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है तानिया फैशन आर्ट यूट्यूब चैनल पर। मैं दीपिका कुशवा आज आपको बड़े साइज़ का ट्रैवल बैग बनाना बताऊंगी। इसका तरीका बहुत सिंपल है और आप वीडियो को पूरा देखोगे तो आपका समझ में आ जाएगा हमने कैसे बनाया है इस बैग को। और बहुत सिंपल तरीके से मैं आपको ये बैग बनाना बता रही हूँ। तो ये देखो, इसमें मैंने रबर शीट का यूज़ किया है, आप चाहो तो राइस बोरी का भी यूज कर सकते हो। और देखो, मैंने पीछे साड़ी का यूज़ किया है और ऊपर मैंने इसमें सिलाइयाँ लगा के इसके पीस को रेडी कर लिया है। अब इस पीस की मैं आपको लंबाई और चौड़ाई बताऊंगी। 20 इंची की चौड़ाई है। अब मैं लंबाई नापूंगी इसकी। तो 47 इंची की लंबाई है। लंबाई चौड़ाई देखो मैंने आपको बता दी है। अब हमने ऊपर की साइड देखो, मैंने पीस को ले लिया है इस तरीके से। अब लंबाई की साइड से मैंने फोल्ड किया है। ये देखो, अच्छे से मैं पहले पीस को मिला लेना है। ये देखो, पीस को मैंने अच्छे से दोनों फोल्ड करके मिला लिया है। बीच में मैंने एक पिन लगा ली है क्योंकि पीस हमारा टेढ़ा मेढ़ा ना हो इसलिए। तो यहाँ से देखो, ऊपर की साइड से मैं निशान लगा रही हूँ 9.5 इंची पर। तो देखो, 9.5 इंची पर मैंने निशान लगा दिया है। अब यहीं से हमें फिर से निशान लगाना है 7 इंची पर। तो ये देखो, 7 इंची पे जो निशान लगाया है और 9 इंची पे से मैंने निशान को एक सीधा खींच लिया है। अब हमने ऊपर की साइड से खींचना है 9.5 इंची पे ही निशान को। तो इस तरीके से एक बॉक्स बन गया है हमारा। अब यहाँ पे हमें हल्की सी गुलाई देनी है, बहुत हल्की सी गुलाई दी है मैंने। अब जैसे मैंने निशान लगाए हैं वैसे इसकी अब मैं कटिंग कर दूंगी। तो ये देखो, कटिंग मैंने कर ली है। आपको पहले पीस को खोल के दिखाती हूँ हमारी कटिंग किस तरीके से हुई है। तो ये देखो, इसका हमारे बैग का ढक्कन कट चुका है। अब इसमें हम पहले चेन अटैच करेंगे। जो छोटा वाला पीस है उसमें मैं चेन अटैच करूंगी। तो ये देखो, चेन को मैंने उल्टा रख के अब मैं सिलाई लगाऊंगी इस पे। तो सिलाई मैंने लगा ली है। अब जो एक्स्ट्रा है चेन, उसकी हम कटिंग कर देंगे। तो ये देखो, कटिंग मैंने कर ली है। अब यहाँ पे जो गुलाई है वहां पे हम छोटे छोटे कट लगा लेंगे। तो ये देखो, मैं कट लगा रही हूँ। अब कट लगा के हमें टॉप सिलाई लगानी है। तो ये देखो, जो अंदर की हमने सिलाई लगाई है उसे मैंने कपड़े की साइड फोल्ड किया है, क्योंकि उसे अगर हम फोल्ड नहीं करेंगे, अगर टॉप सिलाई ही नहीं लगाएंगे तो ये चेन में फंसता है, इसलिए हमें टॉप सिलाई लगाना बहुत ज़रूरी है। तो ये देखो, पूरे पीस पे हमारे टॉप सिलाई लग चुकी है। अब इसको हमें इस तरीके से सेंटर पर देखो मिलाना है, बीच का सेंटर निकालना है इसमें। तो निशान लगा लेंगे बीच पर हम चेन वाले हिस्से पर, क्योंकि हमें ये दूसरी साइड भी अटैच करना है दूसरे पीस में। तो यहाँ मैंने निशान लगा लिया है। तो ये देखो, इसको भी हमें पहले बीच में बिल्कुल सेंटर मिलाना है और इसमें भी हमें निशान लगा लेना है। तो यहाँ पे देखो, निशान मैंने लगा लिया है। अब जो दोनों निशानों को हमें मिलाना है, इस पीस को मैंने उल्टा रखा है पीस के ऊपर और इस तरीके जैसे मैंने रखा है वैसे ही मैं सिलाई लगा दूंगी अब इस पर। तो सिलाई लगा के भी आपको मैं दिखा रही हूँ किस तरीके से मैंने सिलाई लगाई है। ये देखो, एक साइड मैंने सिलाई लगा ली, आप चाहो तो दोनों साइड से लगा सकते हो। पहले अब मैं नाप लूँगी कि मेरा पीस ये कितना छूटा है बड़ा वाले पीस में से। तो यहाँ पे देखो, निशान मैंने लगा लिया चौक से, इतना ही पीस छोड़ के मैं यहाँ से शुरू कर दूँगी देखो सिलाई लगाना। यहीं से देखो, मैं सेंटर मिला लिया है मैंने। अब मिलाने के बाद हम यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। अब तो ये देखो, सिलाई मैंने लगा ली है, कितने आसान तरीके से इसमें चेन हमारी लगी है। अब दूसरे वाले पीस पे भी हमें देखो, पीस को अलग कर लिया है, टॉप सिलाई भी लगाएंगे इस पे भी हम। तो यहाँ पे भी मैं टॉप सिलाई लगा रही हूँ। तो ये देखो, पीस पे मैंने टॉप सिलाई लगा ली है। अब दोनों पीसों पे हमारी चेन अटैच हो गई है। अब इन दोनों को मिला के हमें कटिंग कर लेनी है, जो एक्स्ट्रा पट्टी निकल रही है। तो ये देखो, एक्स्ट्रा थी उसकी मैंने कटिंग कर ली है। अब इसमें हम पीस को दोनों को जोड़ लेंगे रनर डाल के। तो दो रनर डाल लूँगी इसमें मैं। तो रनर मैंने डाल लिए हैं। अब इसमें हमें तनी अटैच करनी है। आप चाहो तो बैग वाले कपड़े के भी बना सकते हो, पर मैं इसमें मार्केट वाले की यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि ये काफ़ी मज़बूत होती हैं और हम ट्रैवल बैग बना रहे हैं इसलिए मैं मार्केट वाली यूज़ कर रही हूँ। इसकी खाली आपको मैं लंबाई बता दे रही हूँ, 60 इंची की लंबाई है। अब ये अटैच कैसे करनी है, हमें कहाँ पे लगाना है, निशान लगाएंगे। अब पहले आपको निशान बताऊंगी कहाँ कहाँ मैंने लगाया है इसको अटैच करने के लिए। तो ये देखो, यहाँ पे जो ऊपर की साइड से मैंने निशान लगाया है 3 इंची पे, 3 इंची पे निशान लगा लिया।
दोनों साइड पे हम 3-3 इंची पे निशान लगा लेंगे पहले। तो निशान लगाने के बाद 3 इंची से निशान लगा रही हूँ नीचे की साइड पे 10 इंची पे। 10 इंची पे निशान लगा लिया मैंने। अब हमें कितनी गैप देना है इसमें, 5 इंची का गैप लगा के हम इस निशान को बिल्कुल सीधा खींच लेंगे। तो निशान मैंने खींच लिया है, दूसरी साइड भी हमें सेम तरीके से निशान लगा लेना है। तो दोनों साइड में निशान लगा लिए हैं। तो ये देखो जो निशान लगाया है मैंने, और ये तनी जो रखी है मैंने बीच में रखा है निशान को, और तनी ऊपर की साइड से रख दी है, फोल्ड कर लिया है नीचे कॉर्नर को। अब यहाँ पे हमने सिलाई लगा ली है, देखो तनी अटैच कर ली है, एक साइड हमने तनी अटैच कर ली। अब दूसरी साइड हमें किस तरीके से अटैच करनी है वो भी मैं आपको बताऊँगी निशान लगा के। तो देखो 5 इंची की दूरी ली थी मैंने यहाँ पर, अब इसी तरीके से यहाँ पर ले लेंगे निशान लगाएंगे 3 इंची पर। तो यहाँ 3 इंची का निशान लगा दिया, 10 इंची का हमने नीचे की साइड से लगा दिया। अब इस निशान को हमें इस तरीके से मिला लेना है, दोनों साइड पे हमें सेम तरीके से निशान लगा लेने हैं। तो निशान मैंने लगा लिए हैं, अब तनी को अटैच करेंगे जैसे मैंने पहले सिलाई लगाई थी वैसे ही। तो दोनों साइड हमारी तनी अटैच हो गई है, सिलाई हमने लगा ली है। आपने कमेंट में पूछा था मुझसे कि आप साइड किस तरीके से तैयार करते हो, तो देखो मैं पहले इस पीस को, बड़े वाले पीस को नाप लूँगी कितना है। तो ये देखो इसकी 47 इंची की लंबाई है, इसी हिसाब से हम इसकी साइड निकालेंगे। तो देखो मैंने साइड तैयार कर ली थी इसकी, मैं आपको देखो इस तरीके से बताऊंगी। ये हमें हमारा पूरा पीस है, इसको हमें इस तरीके से नाप लेना है जैसे मैं आपको नाप के बता रही हूँ, तो आपकी साइड बिल्कुल अच्छे से तैयार हो जाएगी। जितना आपके पीस के, बड़े वाले पीस की लंबाई है देखो इतनी इसकी आई है, मेरे दोनों बिल्कुल बराबर हैं। अब आपको देखो जैसे मैं बताती हूँ लंबाई चौड़ाई 11 इंची की चौड़ाई हो गई इसकी, अब मैं आपको लंबाई बताऊंगी 13.5 इंची की लंबाई है। तो इस तरीके से मैं आपको बताती हूँ लंबाई और चौड़ाई। तो ये देखो इस तरीके से मैं साइड बनाती हूँ बैग की, तो मैंने आपको बता दिया है बहुत सिंपल तरीके से। तो 2 पीस हमने तैयार किए हैं इसके। अब ऊपर हम पॉकेट डालेंगे तो 3 इंची पर निशान लगाऊंगी, तो इस निशान को बिल्कुल सीधा खींच लूँगी मैं। तो निशान मैंने लगा लिया है, अब इसकी मैं कटिंग करूँगी। तो कटिंग मैंने कर ली है, इसमें हमें चेन अटैच करनी है, तो इसी के बराबर की हम चेन ले लेंगे, चेन को उल्टा रखेंगे। तो यहाँ पे देखो मैंने चेन को उल्टा रख लिया है, अब इस पर सिलाई लगाऊंगी मैं। तो सिलाई मैंने लगा ली है, अब लगानी है हमें टॉप सिलाई। तो ये देखो टॉप सिलाई मैंने लगा ली है। अब दूसरा जो पीस कटिंग किया था हमने छोटा वाला, उसको भी अटैच कर देंगे इसमें। अब तो ये देखो दूसरा पीस भी मैंने अटैच कर लिया है, अब इस पर भी हमें टॉप सिलाई लगा लेनी है। तो दोनों पीसों पे हमने टॉप सिलाई लगा ली है, रेडी हो गया है चेन लग के। अब इसमें रनर डालेंगे, तो रनर को मैंने डाल लिया है। अब पॉकेट बनाने के लिए कपड़ा अटैच करना है इसमें। तो देखो पीछे की साइड से हमें चारों ओर से सिलाई लगा लेनी है इस कपड़े पर। तो सिलाई मैंने लगा ली है, दोनों पीस मैंने देखो रेडी कर लूँगी सेम तरीके से। तो दोनों पीस मैंने रेडी कर लिए हैं, पॉकेट लगा ली है इसमें दोनों में। अब इसको अटैच करना बताऊँगी किस तरीके से अटैच करेंगे हम बड़े वाले पीस में। तो ये देखो बड़ा वाला पीस मैंने ले लिया है, अब इस पीस को हमें चैन वाले हिस्से पर सिलना है। तो ये देखो आपको सिल के भी बताऊँगी किस तरीके से ये मैंने अटैच किया है ये पीस। तो यहाँ पर हमें बिल्कुल सीधी एक सिलाई लगा लेनी है। तो ये देखो सिलाई मैंने लगा ली है, अब इस पर हमें टॉप सिलाई लगानी है। तो टॉप सिलाई जो लगानी है, चैन वाले हिस्से साइड नहीं मोड़ना है किनारी को, जो हमारा साइड बिल्कुल चैन नहीं लगी है उस साइड हम मोड़ेंगे। तो यहाँ पे देखो मैं टॉप सिलाई लगा रही हूँ, तो टॉप सिलाई मैंने लगा ली है। अब इस पीस को मैं सीधा कर लूँगी क्योंकि इसमें मैं पाइपिंग लगाऊँगी, इसलिए सीधा सिल रही हूँ इसको। आप चाहो तो उल्टा भी सिल सकते हो अगर आपको पाइपिंग नहीं लगानी है तो। तो ये देखो बीच में मैंने निशान लगा लिया। तो ये देखो जो बड़े वाले बैग के पीस पे हमारी सिलाई है, वहाँ से मैंने कॉर्नर को रखा है। अब इस पर हम साइड पे सिलाई लगाएंगे किस तरीके से, ये साइड मैंने इसमें अटैच की है। तो यहाँ पे देखो एक सीधी सिलाई लगा ली मैंने, इसी पीस को इसी तरीके से घुमा दूँगी अब मैं। तो यहाँ देखो एक साइड और सिलाई लगा ली है मैंने, अब यहाँ से एक कॉर्नर और पकड़ूंगी, दूसरी साइड सिलाई लगाएंगे, नीचे की साइड हम बाद में लगाएंगे। तो ये देखो तीनों साइड हमने सिलाई लगा ली है, अब रह गई हमारी नीचे की साइड। और देखो बिल्कुल फिक्स आएगा ये साइड हमारी,
आपको देखो पकड़ के भी दिखा रही हूँ और सिलाई लगा के भी दिखाऊंगी किस तरीके से हमारी बिल्कुल साइड फिक्स आई है, कोई कम बढ़ती कपड़ा नहीं है इसमें। तो ये देखो एक साइड हमारी इसमें लग चुकी है, अब लगाएंगे हम दूसरी साइड पे भी। तो ये देखो जो मैंने आपको साइड लगा के दिखाई है दूसरी साइड भी मैं सेम तरीके से लगा लूँगी। तो दोनों साइड मैंने लगा ली हैं, अब इस पर हम लगाएंगे पाइपिंग। तो पाइपिंग के लिए मैंने पट्टी जो ली है सेम कलर की ली है, आप चाहो तो दूसरे कलर की भी लगा सकते हो। तो यहाँ पे हमें पाइपिंग बना लेनी है। तो ये देखो इस तरीके से मैं दोनों साइड पे पाइपिंग बना लूँगी। तो पाइपिंग मैंने बना ली है, देखो कितना अच्छा बड़ा साइज का हमारा ट्रैवल बैग बना है और कितना अच्छा लग रहा है आपको। देखो पॉकेट भी मैं दिखा रही हूँ। तो ये देखो दोनों पॉकेट हमारी काफ़ी अच्छी है, इसमें सामान भी हमारा काफ़ी आ जाएगा। और मैं आपको अंदर की साइड भी खोल के दिखाती हूँ, इसमें मैंने सामान रखा हुआ है, इसमें आराम से 10-12 जोड़ी कपड़े रख सकते हो। तो आप कमेंट करके बताना आपको ये मेरा ट्रैवल बैग कैसा लगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।